नगर निगम द्वारा विकास के नाम पर हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान के मंदिरों को तोड़ने के फरमान से हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुष्कर रोड स्थित करंट वाले बालाजी मंदिर को तोड़ने के नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता द्वारा भेजे गए नोटिस से बालाजी भक्तों और हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा व्याप्त हो गया और उन्होंने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर निगम के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री लेखराज सिंह राठौड़, अध्यक्ष सरदारमल जैन, विभाग मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, सहमंत्री कैलाश भाटी सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर में मंदिर है पुष्कर मेन मार्ग पर करंट वाले का, निगम द्वारा उसको 15 दिन में हटाने का नोटिस अतिक्रमण मानते हुए दिया है और उसको 15 दिन में आप हटा दीजिए। ये हमारा प्राचीन मंदिर है और आस्था का केंद्र है, कोई अतिक्रमण नहीं है और उसको जो है हटाने जाने के जो निर्देश दिए उपायुक्त नगर निगम द्वारा, इसको निरस्त किया जाए। कलेक्टर महोदय जो यहाँ के मालिक हैं जिले के, उनसे हम निवेदन करने आए हैं कि आप इस प्रकार के जो ये कार्रवाई हो रही है मंदिर के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, विकास के नाम पर करना है तो पहले जयपुर रोड की भी पुष्कर रोड पे अभी विकास के नाम पर हमारे मंदिरों को तोड़ने के नोटिस जारी किए हैं। इसमें पुष्कर रोड पर करंट वाले बालाजी को 15 दिन में हटाने का निर्देश दिया गया है। उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और मंदिर बचाओ विकास समिति कड़ा विरोध करती है। अगर इन्हें अजमेर का विकास करना है तो विश्व हिंदू परिषद पूरा इनका साथ देगी, मगर पहले जहाँ से अजमेर की सीमाएं चालू होती है, सोफिया स्कूल के पास, हरिभा उपाध्याय नगर मेन गेट के पास जो धार्मिक अतिक्रमण है, उनकी 5 ईंट हिला दे, तो हमारे जो अतिक्रमण मंदिर आ रहे हैं उनको विश्व हिंदू परिषद स्वतः हटाने के लिए इनके साथ है।